ओके गाइस, आपका स्वागत है द क्लैशिंग सीजन में और आप देख रहे हैं मुझे बिना फेस कैम के, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से फेस कैम नहीं हो पाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर ज़रूर करना अपने क्लैन मेट्स के साथ। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है एक FWT पे, मतलब फ्रेंडली वॉर टूर्नामेंट पे, जो टाउन लाइन 5v5 की फ्रेंडली वॉर थी। सो यहाँ पर फ्रेंडली वॉर हुई है इंडियन किंगडम ट्रेडमार्क वर्सेस इंडियन किंगडम से, मतलब इंडियन किंगडम जो असली वाला है वर्सेस नकली इंडियन किंगडम से। सो गाइस, यहाँ पर 5v5 प्लेयर्स ने अटैक किया है और 13 स्टार किए हैं दोनों ने। एक बार आप जो ऊपर आई कलर का बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करिए और एक बार बताइए कि कौन सी टीम जीती होगी। यहाँ पे पॉज करिए वीडियो और एक बार प्रिडिक्शन करिए कि कौन जीती होगी, देखते हैं आपका कितना सही जाता है। सो गाइज, अगर वर्ल्ड रिजल्ट की बात करें तो डायरेक्टली जीती है इंडियन किंगडम ट्रेडमार्क, मतलब जो असली वाला है वो नकली वाले से जीत गया, और दोनों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है और अच्छी खासी परसेंटेज से हार गए हैं इंडियन किंगडम नकली वाला। सो गाइज, अगर अटैक की बात करें तो 3-3 स्टार तीनों बेस पे हुई है, यहाँ पर ये 3 और ये 3। सो पहले अपने अटैक देखते हैं जो कि किया है आयरन हर्ट ने शुभम की बेस पे, और इन भाई ने किया है क्यूसी वैल्करी अटैक ऐसे बेस पे। क्यूसी वैल्करी अटैक तो मे भी टाइम फेल हो सकते हैं, फिर भी 6 सेकंड पहले ही अटैक कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट क्या करना होता है, कोइन चार्ज से अच्छी खासी फनल बनाओ और साइड से बेबी ड्रैगन या विजर्ड से फनल बनाओ और अर्थक्वेक स्पेल डाल दो जहाँ पर ज़्यादा वॉल्स है और जहाँ पर सीसी लियर हो जाए। उसके बाद रेज और हील डाल के सारे के सारे वैल्करी से अंदर ले जाओ। तो क्वीन चार्ज देखते हैं, अच्छी खासी की है वैसे इसने क्वीन चार्ज और अर्थक्वेक स्पेल सब डाल दिए, वॉल्स फूट गई। अब इस साइड से विजर्ड डालेगा और अंदर सारी घुस जाएगी आपके वैल्करीज और किंग, उसके बाद रेज हील डाल देगा। होल्ड स्पीड में देखें तो यहाँ पर सीसी में जॉइंट लिए थे और उसके बाद डाल दिया इसने सारे के सारे वैल्करीज, रेज डाल दिया और वैल्करीज इस साइड से भटक गई है आपके 6 o'clock पे आ रही है, सारी की सारी वैल्करीज आ गए 6 o'clock पे, और अपना क्वीन अच्छा काम कर रही है, किंग क्वीन अभी तक जिंदा है। सो गाइस, यहाँ पर 3 star अटैक हो चुका होगा अभी तक। किंग की एबिलिटी लास्ट में यूज़ करनी है क्योंकि क्वीन जो है वो कभी कभार ही बचती है, तो किंग की एबिलिटी बहुत काम आती है। तो 3 star अटैक किया है यहाँ पर आयरन हर्ट ने शुभम के बेस पे। अब हम देखेंगे सेकंड अटैक। ओके गाइस, तो सेकंड अटैक देखेंगे हम राहुल के बेस पे, जो जिस पे किया है आरएसपी चंदन ने अटैक किया है आपका क्यूसी लालून। बहुत फेमस अटैक स्ट्रैटर्जी है, लाइक TH9, TH10 और TH11 में बहुत ज़्यादा ही फेमस स्ट्रैटर्जी है ये, बाकी TH12 और 13 में तो हाइब्रिड ही चलते हैं वैसे ज़्यादातर। गाइस, ये अटैक दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हो सीओसी खेलने वाले सबके सब उस वीडियो को देखो, क्योंकि वो क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड है। क्लैश ऑफ क्लैंस का एक अलग ही वर्जन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो। सो गाइस, अगर आपको इंतज़ार है तो कीप वॉचिंग द क्लैशिंग सीजन। तो ये अटैक देखते हैं पहले, बेबी ड्रैगन से ब्लैक एयरमैन डिटेक्ट कर ली और फनल बना ले ताकि क्वीन अंदर जाए, बेबी ड्रैगन और लून से ब्लैक एयरमैन डिटेक्ट कर ली, इसकी क्वीन और सीसी ल्यूर हो जाए, उसके बाद लावा लून से हेस्ट के साथ आप अच्छे से कर सकते हो 3 star। ओके, सीसी ल्यूर हो गई, क्वीन मर गई, लावा डाल दिया सर्जिकली, अब एक शेप में लावा हो जाएंगे लून्स। 3 lava लिए थे इसने, सीसी में 1 lava और अपने पास 2 lava, और टाउन लाउन के 9k ट्रूप्स थे और स्पेल्स थे इसके पास सीसी में भी, क्योंकि FW है तो टाउन उसके चलेंगे, मतलब 9 और 10k, मतलब जो इनका टाउन होना है उसके हिसाब से। तो 3 star एक अटैक कर दिया RSP चंदन ने राहुल के बेस पे क्यूसी लालून से। तो गाइस, अगर आपको चाहिए स्ट्रेटजी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट अटैक देखेंगे अपना खलीफा के बेस पे किया है मनीष जनवाल ने।
बेरीवान ने अटैक किया है आपका विस लैब, जो कि बहुत ही पॉपुलर अटैक स्ट्रेटजी है टाउन 9 में। एनी बेस किसी भी बेस को उड़ा सकती है, क्योंकि विच का थप्पड़ बहुत घातक हो सकता है। तो गाइस फर्स्ट इसने क्या किया होगा, यहाँ से अटैक स्ट्रेटजी स्टार्ट की है। दो गोलम डाले, तीन गोलम डाले इस बंदे ने, तीन गोलम पता नहीं किस खुशी में ले गया था। दो गोलम काफ़ी थे, दो विचेस साइड से, दो विचेस साइड से, बाकी सारी की सारी विचेस डाल दी पीछे से ताकि फनल अच्छे से बने। और जो इसके पास सीसी है और इसके हीरोज़ हैं वो डायरेक्टली जाए दो जम के साथ अंदर। इसके सीसी में बॉलर्स तो होंगे नहीं, क्योंकि टाउन 10 में बॉलर्स खुलते हैं और टाउन 9 के ट्रूप्स हैं अपने पास, तो उसके सीसी में देखने वाली बात है कि क्या होगा। पॉइजन स्पेल ज़्यादा जल्दी डाल दिया इसने, एनिमी के किंग पे डाल दिया। सीसी में इसके पास तो जायंट आर्चर और वेलक्रीज थी, अच्छी बात है। वेलक्रीज बहुत स्प्लैश डैमेज करती है, मतलब जब घूमती है तो सबको घुमा देती है। इसको मे बी एक और जंप फटाफट डाल देना चाहिए था, पहले से ही जंप डाल देना चाहिए था, क्योंकि जंप थोड़ी देर तक रहते हैं एक्सेप्ट हील स्पेल और रेज स्पेल, मतलब उनके मुकाबले। सो गाइस विच स्लैप अच्छा काम कर रही है, साइड साइड से विचेस क्लियर करेंगे और सीसी के स्पेल्स और यूज आपके रेस्ट बेसिस को मारेंगे। विच स्लैप बेसिक में यही होता है, और जो गोलम आपके जो बचते हैं उस पर सारे डिफेंसेस टारगेट करते हैं और आपके हीरोज और विचेस स्केलेटन्स बाकी बेस कवर कर लेते हैं। लेकिन इसके पास बॉलर नहीं थे तो थोड़ा टाइम लग गया करने में। 400 स्पीड में देखे तो रेस्ट जो रिमेनिंग बेस है वो आराम से विचेस और स्केलेटन्स ने क्लियर कर दिया, बस आपके विजर्ड टावर और मॉर्टर्स निकल जाए फटाफट और आपका गोलम एट द लास्ट जिंदा था। सो गाइस ये अटैक किया मनीष बेनीवाल ने खलीफा के बेस पे। अब हम देखेंगे ओपोनेंट्स के अटैक अपने बेस पे। ओके गाइस तो मनीष बेनीवाल के बेस पे देखते हैं। थर्ड राहुल ने अटैक किया है फर्स्ट बेस पे, और इन भाई ने किया है आपका क्यूसी लालू सेम एस, लेकिन बेस अलग है। सो उसको क्वीन डाउन करनी है और कुछ छोड़ा इसने, लून छोड़ा, क्वीन डाउन करनी है और सीसी ल्यूर करनी है। तो गाइस यहीं से अटैक स्ट्रेटजी स्टार्ट करेगा। लून इसलिए डाला है क्योंकि जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला खाली स्पेस, इस पे हिडन टेस्लास हो सकते हैं और कहीं पे ब्लैक एयर माइन भी हो सकती है। सो गाइस क्वीन बॉक्स है ये, यहाँ की अच्छी खासी परसेंटेज निकाल लेगा, दो एयर डिफेंस निकल जाएंगे, सीसी ल्यूर हो जाएगी और मे बी ये एयर स्वाइपर भी निकल जाए और हिडन टेस्लास निकल जाएंगे अच्छी खासी, और क्वीन जो है वो सीधा अंदर जाएगी और इसकी क्वीन भी निकल जाएगी, तो अच्छी खासी परसेंटेज के साथ ये कर लेगा 3 स्टार। तो उसने 3 लून डाल दिया ताकि ब्लैक एयर माइन और सारे हिडन टेस्लास बाहर निकल जाए। देखिए जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर हिडन टेस्ला निकल गए, किंग अच्छे से फनल बना ले, इसलिए उसने फटाफट स्टार्ट वो दे दी इसकी एबिलिटी और हीलर डायरेक्ट किंग पे ना जाए इसीलिए। वैसे लावा हॉर्न को ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, लेकिन क्वीन वॉक में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है लावा हॉर्न। सो क्वीन अच्छा काम कर रही है इसका, और किंग ने भी बहुत अच्छा काम किया है, एक एयर डिफेंस आराम से निकाल दिया और क्वीन लावा पे लॉक हो चुकी है। पॉइजन स्पेल डालेगा जब लावा फटने वाला होगा। सो गाइस पॉइजन स्पेल डाल दिया और सारे के सारे लावा पॉप्स निकल गए। और इसने एक मिनट रुको, इसने यहाँ पर दो लून और बेबी इसलिए डाले थे कि ये बेबी क्लियर कर दे और लून जो है यहाँ और यहाँ विजर्ड टावर पर आ जाए, ताकि जो क्वीन है वो यहाँ 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 से भटके नहीं, डायरेक्ट एनिमी के क्वीन को ट्रिगर करे। सो गाइस जैसे कि आप देख सक रहे हैं वहाँ पर चली गई है एनिमी की क्वीन पे, अब जा रही है अपनी क्वीन और एनिमी की किंग भी खाली, जो कि अच्छी बात है। मैं भी यहाँ पर भटक जाती इसलिए फटाफट इसने स्पेल और लावा लून के साथ अटैक कर दिया स्टार्ट, क्योंकि अब क्वीन ट्रिगर हो चुकी है और एयर डिफेंस निकाल दिया इसने। सो उसके पास एक हेस्ट बचा, इसने एक रेस डाल दिया और एक हेस्ट भी डाल दिया इसने, तो 40 स्पीड में देखे तो बाकी क्लीन अप हो जाएगा। गाइस जहाँ पर लून्स होते हैं वहाँ पर कभी भी मिनियंस और जो आपके मतलब कोई भी क्लीनअप ट्रूप है वो मत डालना, जो रेस्ट बेसिस बचते हैं वहाँ पर डाला करो, क्योंकि जो लून्स हैं वो लास्ट में बेसिस ख़त्म करके बाकी के डिफेंसेस बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनको मारती है। सो गाइस ये 3 स्टार अटैक हो गया है राहुल की तरफ से मनीष बेनीवाल पर, मनीष बेनीवाल ने भी 3 किया। और सो गाइस ये सुसाइड लावा लून, सॉरी सुई लावा लून हो चुका है 3 स्टार। ओके गाइस तो नेक्स्ट अटैक की बात करें तो आरएसपी चंदन पे अटैक किया है रोनाल्डो ने। सो गाइस इसने अटैक किया है सुई लालून, बहुत अच्छी बात है सुई लालून ने इसने अटैक किया है, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं टाउन 9 पे सुई लालून। सो बेसिकली क्या किया है यहाँ पर आइस
सॉरी विजर्ड और आर्चर डाल दे और बेबी ड्रैगन डाल दे ताकि यहाँ पर किंग क्वीन इसके चले जाए और अच्छे से फ्रंट बन जाए और इसके जो मैक्सिमम इसके एयर डिफेंस है वो निकल जाए और इसके क्वीन इजीली हो जाए। तो वॉल ब्रेकर्स के साथ इसने टेस्टिंग करी, उसके बाद डाल दिया इसने वॉल ब्रेकर्स अंदर अच्छे से। अब इसके किंग क्वीन काम कर रहे हैं, एबिलिटी दे दी, क्वीन की एबिलिटी भी दे दी। गाइज इस अटैक में क्या हुआ कि इसके सीसी मतलब पूरी मरी नहीं थी, जो इसका ड्रैगन है ओपोनेंट का ड्रैगन है जो सीसी में वो जिंदा था एट लास्ट, बस इसके लावा पप्स ने उड़ा दिए जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका पॉइजन और फ्रीज वेस्ट हो गया। इसका बेबी ड्रैगन तक जिंदा था, सो इसने एक एंगल में डाल दिया और लावा पप्स ने बेबी ड्रैगन को उड़ा दिया और बेबी ड्रैगन उड़े नहीं अभी तक, और इसका ड्रैगन बेबी ड्रैगन उड़ गए और इसका ड्रैगन भी उड़ गया। सो गाइस इस वे में 3-स्टार अटैक हुआ। बेसिकली ये फेल भी हो सकता था क्योंकि सुई लालून बहुत ज़्यादा ही खतरनाक स्ट्रैटर्जी है एनी TH9, TH9, TH10, TH11। बेसिकली मैक्सिमम लोग क्यूसी लालून ही यूज़ करते हैं, मतलब एयर अटैक था ये। सो गाइस ये 3-स्टार अटैक हुआ रोनाल्डो की तरफ से RSP चंदन पे, बट जीती तो IKTM ही है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, और नेक्स्ट वीडियो को पक्का देखना आप ज़रूर। COC के वर्जन 2 से रिलेटेड है वो, क्लैश ऑफ क्लैंस के। सो गाइज कीप वॉचिंग द क्लैशिंग सीजन, और फटाफट 500 सब्सक्राइबर्स के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना और शेयर ज़रूर करिए प्लीज़। और मेरे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और नेम भी मिल जाएगा मेरा इंस्टा का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।